गरीबी से, महंगाई से एकदम पीड़ित हो गए हैं, है ना। अब एक जमाना था 70-75 साल पहले, जब अंग्रेज आए रहे तो वो किए रहे भेदभाव मुसलमान और हिंदू में, वो काहे किए रहे कि लोग एकजुट ना रहेंगे तो लोग देश पे राज कर सकेंगे। और वही चीज ये मोदी सरकार भी कर रही है ना। जब मुट्ठी बंद रहेगी तो कोई तोड़ ना सकता है, लेकिन मुट्ठी को खोल के धर्म के उस पे, जाति के उस पे भेदभाव करेंगे तो लोगों को तोड़ना आसान हो जाएगा। वही चीज मोदी सरकार भी कर रही है कि हिंदू मुस्लिम करके देश को कमजोर कर दे, देश पे राज करे। हम लोग को ये चुनाव में जब वोट डालना है तो उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट डालना है, महंगाई के खिलाफ वोट डालना है, बेरोजगारी के खिलाफ वोट डालना है, पूंजीवादी के खिलाफ वोट डालना है, सामंतवाद के खिलाफ वोट डालना है। और ये वोट आप लोग को डालना है। ये सिर्फ जंग हम लोग की नहीं है, ये जंग आप लोग की भी है, आपके बच्चों की भी है। ये चुनाव ये मत सोचिएगा कि अरे हमरे एक वोट से क्या होगा, आपके एक वोट से सरकार बन सकती है, बिगड़ सकती है। तो जब खुद जाएंगे वोट डालने तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके आसपास के पड़ोस वाले लोग भी वोट दें। और जब एकजुट होकर के एक पार्टी को, साइकिल को हम लोग वोट देंगे, तभी केंद्र में सरकार बनेगी, तभी भाजपा सरकार हारेगी। आज इतने लोग, इतने पार्टियों के दल, बड़े बड़े नेता हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे अलग अलग नेता लोग जो है, वो लोग भाजपा में सब जुड़ जा रहे हैं, अपना केसवा हटा दे रहे हैं। 70,000 करोड़ का उनका घोटाला रहा, वो सब हट गया भाजपा ज्वाइन करके जाकर के। लेकिन हमारे अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी, है ना, ये लोग लड़ रहे हैं, ये लोग भाजपा से नहीं जा रहे, ये हम लोग की आवाज है और हम लोग को उनको उनकी ताकत बनना है। ये ताकत कैसे बनेंगे, जब वोट देंगे ना उनको सत्ता में लाएंगे, तभी वो हमारे लिए लड़ सकेंगे, हमारे बच्चों के लिए ऐसी नीतियां ला सकेंगे जो हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल करेगा, अंधकार में नहीं डालेगा। मोदी जी का गारंटी दिए रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि चूल्हा मिलेगा, और ऐसा बोले रहे कि हमारे जो चप्पल पहन के चलता वो हवाई जहाज में चलेगा। ऐसी हालत है कि हम ना चल सकता हवाई जहाज में, इतना महंगाई हो गया है। तो सोचिए, आप सोचिए, आवास योजना रही, कहाँ है आवास? इतना सर छोड़वा दे रहे, बताइए, हर 2 कदम पर एक्सीडेंट, खाली रोड निकलवाओ, मंदिर बनवा दे रहे, दिया जलवा दे रहे, थाली बजवा दे रहे, बस यही में खुश हो जा रहे हैं लोग। नोटबंदी करा दी, हजारों लोग तो लाइन में लग के मर गए, है ना। कोरोना काल में लाशें बिज गई गंगा मैया के, पैदल चले 2,000 किलोमीटर। तो अपने दर्द को है, जो 10 साल पीड़ा भरा रहा है, जो 10 साल बेईमानी का रहा है, भुखमरी का रहा है, उसको याद रखिएगा जब आप वोट डालने जाइएगा। हम लोग को ऐसे नेता की जरूरत है जो अपने लोगों के लिए खड़ा रहे, जो पूंजीपतियों के पास ना जाए। साइकिल को वोट दीजिएगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी ही ऐसे नेता हैं जो आपकी आवाज बनेंगे। मशीनों काला कर देती है चाची ना, आप अपना वोट दीजिएगा। अरे ऊपर है ना भगवान भी, है ना, आप अपना बटन दबाइएगा साइकिल। यही बात है, कर रहे हैं सब, दबा रहे हैं कि वो चोरी कर रहे हैं, लेकिन एक हद तक के ना चोरी कर सकेंगे। अब ये चीज से सोच करके हम वोट ना डाले, या ये चीज से सोच के हम उन्होंने को वोट दे देंगे तो कैसे हो? गाजीपुर में ना चोरी हुई दादी, चिंता मत करो, गाजीपुर में हमने को वोट डाले। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।